फ्रेंड्स, मैं शालिनी रस्तोगी आज आपको पतिशप्ता बनाने की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम मावा, 50 ग्राम पनीर, इसको हमने क्रश कर लिया है, एक कटोरी मैदा, 3 से 4 चम्मच चीनी, एक बड़ा चम्मच मक्खन, 2 चम्मच गुड़ क्रश किया हुआ, किशमिश थोड़ी सी, 5 से 7 बादाम, इसको मैंने कट कर लिया है, काजू 7 से 8, इसको भी कट कर लिया है, चिरौंजी 1 बड़ा चम्मच, 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा, चकले पे या प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे, चाहे देसी घी का या मक्खन से ग्रीस कर लें इसको। अब पैन को गर्म करेंगे और उसमें चीनी डाल देंगे और इसको करेंगे कैरेमलाइज। चीनी मेल्ट होने लगी है, इसको लगातार चलाते रहेंगे, अच्छे से पिघल चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको चकले पर पलट लेंगे, जहाँ पर हमने ग्रीस लगाया था इसको वहाँ पर रख देंगे और 5 से 6 सेकंड के अंदर ये जम जाएगी। इसको छुड़ा लेंगे इस पे से, आसानी से छुट जाती है ये। अब इसको क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल बना लेंगे। इसके क्रिस्टल बन के तैयार हो गए हैं, अब एक पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम होने के बाद इसमें डालेंगे मक्खन, यहाँ पर मैंने व्हाइट मक्खन यूज किया है, साथ ही इसमें डाल देंगे गुड़, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हल्का रखना है, मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे मावा, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे पनीर, इसको भी मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, काजू, चिरौंजी, मिक्स कर लेंगे और डालेंगे नारियल का बुरादा, इसको भी मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसको चलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। अब एक बोल में 2 अंडे लेंगे, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे मैदा को डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद एक पैन को गरम करेंगे। पैन को गरम करने के बाद इसमें घोल डालेंगे और इसके चीले बना लेंगे। और इसको दोनों साइड से सेक लेंगे। एक साइड से सिकने के बाद इसको पलट देंगे, ये बहुत आसानी से सिक जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। इसी तरह से बाकी भी अपने सेक लेंगे। अब इसको मोल्ड की सहायता से गोल कट कर लेंगे, इस तरीके से बाकी भी कर लेंगे। अब मोल्ड लेंगे और उसमें चीले रखेंगे, ऊपर से इसमें फिलिंग डालेंगे, सारी फिलिंग से इसको कवर कर देंगे अच्छे से। फिलिंग लगाने के बाद इसके बाद फिर से एक चीला रखेंगे और फिर से फिलिंग डालेंगे। फिलिंग लगाने के बाद इसमें जो हमने क्रिस्टल बनाए थे चीनी के, उसको डालेंगे, ऊपर से फिर चीला डालेंगे इसके, अच्छे से इसको कवर कर देंगे, ऊपर से डालेंगे क्रिस्टल,
साथ ही डालेंगे इसमें शहद, जो इसको एक मिठास देगा और फ्लेवर देगा। इस तरीके से तैयार हो जाता है, इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है। आप देखेंगे इसमें लेयर आ चुकी है। ये एक अच्छा डेजर्ट है, इसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से तैयार हो जाता है हमारा पतिशप्ता।